आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज राजस्थान। मैं किशोर तंवर भवानी मंडी राजस्थान से। आज हमारे साथ मौजूद है बहुजन समाज पार्टी के जिला प्रभारी भाई मकसूद मंसूरी जी, जो कि वर्तमान नगर पालिका चुनाव 2021 के ये चुनाव प्रभारी भी हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे कि भवानी मंडी में आज ये जो चुनाव होने जा रहे हैं तो इसमें ये किस तरह से अपनी भूमिका निभाएंगे। आप देखते रहिए बीपीए न्यूज राजस्थान। हाँ, तो भाई मकसूद मंसूरी जी, बीपीए न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि आप जो नगर पालिका में जो है स्थानीय नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं भवानी मंडी राजस्थान में, तो आप बता पाएंगे क्या राजस्थान की भवानी मंडी की इससे जो है नगर पालिका में आप अपने कितने उम्मीदवार उतार रहे हैं? उम्मीदवारों की मैंने तैयारी कर ली है। सबसे पहले तो मैं सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूँ। विशेष तौर से सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नमन करता हूँ। और बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता, बहुजन समाज पार्टी के नायक माननीयवर साहब काशीराम जी को नमन करता हूँ। और बाबा साहब और माननीयवर साहब काशीराम जी की जो विचारधारा थी, उस विचारधारा को जमीनी स्तर पर हम पहुँचाएंगे और इसी आधार पर और जनहित के मुद्दों पर, समाज के मुद्दों पर, और जो अधिकार पूर्व की सरकारों ने दलित, पिछड़े, आदिवासी, गरीबों को जो हक नहीं दे सकी है, वही हमारे मुद्दे होंगे, वही हमारी लड़ाई होगी जी। और उसी के माध्यम पर हम नगर पालिका का वोट तय करेंगे। तो क्या आपने अपने जो है उम्मीदवार उनकी कोई पैनल या सूची तैयार की है? मैंने सूची तैयार कर ली है, पैनल मेरा तैयार है, केवल समय का इंतजार है। मैं अपने पत्ते 12 तारीख के बाद ही खोलूंगा। बाकी सारी मेरी तैयारी मैंने यहाँ पर लगभग 25 वार्डों में मैंने तैयारी कर ली है। तो आपका विशेषकर मुद्दा क्या रहेगा भवानी मंडी की जनता के लिए, जो कि यहाँ पर 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है लगातार और उनकी यहाँ बहुत मजबूत पेड़ है, उस स्थिति में आप अपनी तरफ से कौन से मुद्दे उठाकर लाएंगे जो जनता के हित कर होंगे, जो जनता के लिए कारगर होंगे? देखो, मेरा मुद्दा है 75 साल पुराना। उसमें कई वर्षों तक ज्यादातर कांग्रेस ने राज किया जी, उसके बाद बीजेपी का राज रहा। लेकिन मेरे अंदाज से, मेरे मानने में वो जो चीज़ें आम पब्लिक को और यहाँ के वोटरों को और यहाँ की जनता को जो मिलना चाहिए थी, मालिकाना हक, उसको देने में कहीं ना कहीं नाकामयाबी नहीं, पूरी तरह से नाकामयाब दोनों ही पार्टियों की सरकारें रही है। तो क्या आपकी यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के लिए मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी रहेगी या कांग्रेस रहेगी? देखो, मुझे दोनों से ये मतलब नहीं है कौन मुख्य रहता है। मुख्य तो है विचारधारा, और विचारधारा को जो अगर हमारा समाज समझेगा तो वो तय करेगा कि मुख्य कौन बनेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो विगत 15 वर्षों से वैसे ही बाहर भवानी मंडी की इसमें नगर पालिका से, तो मैं समझता हूँ कि वो तो कोई विशेष रहना नहीं चाहिए। कौन सी पार्टी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी भवानी मंडी में विगत 15 सालों से सत्ता से बाहर है, तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि आपका इस बार जो चुनाव होगा नगर पालिका का, यह सीधी टक्कर बीजेपी को देगा या कांग्रेस को देगा? देखिए, ये तो मतदाता तय करेगा। वो दलित मतदाता, वो गरीब मतदाता जो अतिक्रमण में बसा हुआ है 75 सालों से, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें 3 अधिकार बड़े लेके दिए थे, धन, धरती और राज जी। भारत के संविधान में बाबा साहब हमें देखे गए, अंग्रेजों से लड़के वो हमें 3 अधिकार लाकर हमें देखे गए। क्या जो 75 साल से राज कर रही है, शासन कर रही है, उस पार्टी ने हमें इन 3 अधिकारों में से 1 अधिकार देने में भी क्या सक्षमता निभाई है, ईमानदारी निभाई है, या हमारे लोगों को दे दिए गए? आज भी मेरी नज़र में लगभग यहाँ 10,000 लोग ऐसे हैं जिनके पास जमीन के पट्टे नहीं है, मकान है, जैसे तैसे उन्हें उधार लेकर
मजदूरी कर कर अपने बच्चों का पेट काट कर अपना पेट काट कर उनने मकान बसाए, लेकिन फिर भी उन लोगों के मन में एक डर बेभरा हुआ है कि क्या पता सरकार हमें कब हटा दे। क्यों? कि सरकार के तो कानून ही बने हैं गरीबों के लिए, उनको हटाने के लिए, उनको मिटाने के लिए, कानूनी रूप से उनको अधिकार देने के लिए सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है, कोई कानून नहीं है। आज एक बात बताइए, हमारी जो राजधानी है नगरवासियों की, वो तो भवानी मंडी है, जयपुर तो है नहीं। हमारे कानून हमारे यही बन के लागू होना चाहिए और हमारे लोगों को उसका हक अधिकार मिलना चाहिए जी। चुनाव आते हैं जाते हैं, 75 साल से हो रहे हैं, लेकिन कोई भी पार्टी या कोई भी सरकार उन गरीबों का उनका हक दिलाने में नाकामयाब रही है, उनने आज तक उनका हक नहीं दिया। यदि अगर मालिकाना समय मिल जाता है उन दलितों को, गरीबों को, पिछड़ों को, जिनने अपना पेट काट कर मजदूरी कर कर उधार सुधार लेके अपने मकान का जैसे रेन बसेरे का काम किया, तो उसको भी हटाने में तो उनके भय भरा हुआ है। आज कम से कम 5,000 मकान ऐसे हैं भवानी मंडी पचमाड़ के अंदर जिनके पास मालिकाना हक नहीं है, बेचारे वो दर दर भटकते फिरते हैं और उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं। अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है नगर पालिका के अंदर जी, और यहाँ के लोग अगर बहुजन समाज पार्टी को बनाते हैं जी, तो बहुजन समाज पार्टी वादा करती है कि उनको हर आदमी को नगर पालिका में ही पट्टे दिए जाएंगे। क्यों? के माननीय साहब काशीराम जी कहा करते थे कि जो जमीन सरकारी है वो हमारी है, और आज तक जो भी राज्य करने वाली सरकार आई है उनने हमें, हमारे दलित भाइयों को, पिछड़े भाइयों को, गरीबों को एक एक पट्टा नहीं दे सकी, फिर वो सरकार किस काम की। तो आप बीपी न्यूज चैनल के माध्यम से जनता से क्या आग्रह करना चाहिए? मैं जनता से यही आग्रह करना चाहूँगा कि भाई चाहे हमारा समाज ना बिके, लेकिन हम पे एक छाप लगी हुई है कि दलित, पिछड़े, गरीब ये तो बिक जाते हैं और बिक के वोट दे देते हैं। तो मेरी उन लोगों से अपील है, यहाँ के समझदार लोगों से, बुद्धिजीवियों से और हमारे समाज में पढ़े लिखे लोगों से कि भाई हम पे जो छाप बरसों पुरानी इन लोगों ने अधिकार देने के बजाय हम पे छाप लगा दी कि बिकते हैं, जबकि हमारा समाज बिकता नहीं है लेकिन एक छाप लगा रखी है। वो छाप अगर हटानी है और वो सम्मान अगर पाना है तो आपको निरपक्ष होकर बहुजन समाज पार्टी का साथ देना पड़ेगा, हाथी को वोट करना पड़ेगा, तब लगेगा कि ये समाज बिकता नहीं है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी इस समाज को ना बिकने वाला बनाना चाहती है जी। जो कांग्रेस और बीजेपी ने इस समाज को राज करने की बजाय जिस समाज को बाबा साहब अम्बेडकर ने शासक बनाया था, मालिक बनाया था, वो समाज आज मांगने वाला बना हुआ है। इस मांगने वाले समाज को बहुजन समाज पार्टी देने वाला बनाना चाहती है कि आप देने वाले बनो जी। बीपीएन न्यूज से चर्चा करने के लिए धन्यवाद सर, थैंक यू। ठीक साहब, जय भी।